वाह लीजिए दरबार के आज के सारे मसले खत्म। बीरबल चलिए अब हमें एक बात बताइए, हम कई बार खाना खाते वक्त रानी साहिबा से अचानक से अचार मांग लेते हैं, पता है आपको क्यों? क्योंकि झापना रानी साहिबा के खाने में दम नहीं, और ये बात रानी साहिबा को बता दे इतनी आप में हिम्मत नहीं। वाह बीरबल वाह, आप हमें बखूबी समझते हैं। झापना बीरबल जी आपको बखूबी क्यों समझते हैं? आप तो मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हो ना? बीरबल हमें समझते हैं, मतलब ठीक से समझते हैं। गुस्ताखी मत करो झापना। झापना, नीलगिरी पहाड़ी की खुदाई में एक तलवार मिली है जिसे आपके सामने पेश करने की इजाजत चाहते हैं। तलवार, वो भी खुदाई में मिली है, पेश कीजिए। बीरबल जरा देखिए कैसी तलवार है। झापना, तलवार की परख राजा बीरबल क्या जाने, इन्होंने तो जिंदगी में कभी तलवार उठाई ही नहीं होगी। अगर आप इजाजत दें तो हम इसका मुआयना करना चाहेंगे। झापना, ये तो काफी पुरानी तलवार लगती है। वाह बलदेव, ये तो कमाल की बात बता दी आपने हमें। अक्सर खुदाई में नई चीजें मिलती है, पुरानी कैसे मिल गई? ऐसी बातें कर रहे हैं आप, खुदाई में मिली है पुरानी होगी। राजा दरबान जरा जाइए और तलवार हमारे पास लेकर आइए। जी झापना। क्या कर रहे हैं आप? झापना की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। राजा बीरबल, हम झापना की जान कैसे ले सकते हैं? राजा दरबान, पूरे के पूरे दरबार अकबरी ने आपको ये नापाक हरकत करते हुए देखा है, क्या हो क्या गया है आपको? झापना, उस तलवार को छूते ही पता नहीं हमें क्या हुआ, हमारे हमारे ऊपर खून सा सवार हो गया झापना, उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। झापना, हमें ये भूतिया तलवार लगती है। भानु जी, आप ये कैसी बातें करें? तलवार तलवार होती है, भूतिया तलवार क्या? जैसी हैसियत वैसी सोच। झापना, हमें तो लगता है कि इस तलवार के पीछे जरूर कोई राज है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या राज क्या है, ये कैसी तलवार है? झापना, हमें लगता है ये वही तलवार है। देखिए, आप पुरातत्व विशेषज्ञ हैं, तो आप हमें बताइए, हमें तो पुरातत्व का कोई ज्ञान नहीं। झापना, आपके दादा हजूर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की जंग हुई थी। उस जंग के बारे में काफी सुन रखा है हमने। हमारे दादा हुजूर की फौज ने इब्राहिम लोदी को लोहे के चने चबवा दिए थे, और उस जंग में इब्राहिम लोदी की मौत भी हो गई, और ये उसी की तलवार है जो श्रापित। श्रापित राजा बीरबल,
ऐसी धारणा है कि इब्राहिम लोदी मरते समय अपनी तलवार को शापित कर और उसके बाद मुगलों के बादशाह थे आपके दादा हजूर बाबर, जिनके ऊपर शापित तलवार में कई बार जानलेवा हमला किया। अंत में नीलगिरी की पहाड़ी में इसको तख्त करा और वही तलवार आज वापस खुदाई में मिली। इसका मतलब ये तलवार अब भी शापित है। तभी राजा दरबार ने जब इसे छुआ तो उनमें इब्राहिम लोदी की आत्मा आ गई। सही फरमाया आपने। इस तलवार का भार रहना जहां पना की जान के लिए खतरा है, इसलिए हमारी राय तो यह है कि इसे जल्द से जल्द कई अज्ञात जगह पर दफन कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे लायक और कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। जहांपनाह, हमें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि किसी तलवार के अंदर किसी इंसान की रूह कैसे जा सकती है। ये कैसे मुमकिन? और जहांपनाह, पहले शापित वीणा, फिर शापित हार, और अंत में पता चलता है कि ये सब किसी का षड्यंत्र है। हर बार ऐसे ही होता रहा। अब वक्त आ गया जहांपनाह, हमेशा हमेशा के लिए इस अंधविश्वास से पर्दा उठाया जाए, इन सबसे ऊपर उठने का। और हमें लगता है जहांपनाह कि इसकी शुरुआत इस तलवार से करनी होगी। राजा बीरबल, इसे हाथ मत लगाइए। इतना सुनने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये आपकी समझ का दोष है। अगर आप इजाजत दें तो इस तलवार को कहीं हम दफना कर हम सोच कर बताएंगे। तब तक इस तलवार को बंद करके तहखाने में रख दिया जाए। वासू, भूर ने हमें इस तलवार के अंधविश्वास को दूर करने के लिए कहा है, और अगर हमने ऐसा कर दिया तो हूर हमसे शादी करने के लिए तैयार है। हूर सिर्फ मेरी है और उस तलवार को भी मैं ही छूऊंगा। लेकिन सलीम भाषा, एक बात बताओ, कुछ होगा तो नहीं? वासू, जो डर गया वो मर गया। शाइखून है हम और हम कभी नहीं डरते। कहाँ है मुगल का बादशाह? वो जल्दी उठिए इब्राहिम लोदी, आपका खून करना चाहता है वो। उठिए, वो उठिए वो। क्या जरूरत थी शहजादे सलीम इस शापित तलवार को अपने हाथ में लेने की? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? अरे बबू, सलीम भाई, किसी ने कहा था तलवार उठाने को? किसने वासु, हमें बताइए किसने कहा था? हमें बताइए वासु, किसने कहा था? वासु, हमारी इस उंगली को पकड़ के आपने चलना सीखा, आपको हमारी इस उंगली का वास्ता, बताइए किसने कहा था? हूर ने कहा था सलीम भाई को तलवार उठाने के लिए। हूर?
हमने तो बस यूं ही मजाक में कहा था जहांपनाह, है ना? हमें नहीं पता था कि शहजादे सलीम सच में ऐसा कुछ कर लेंगे। गुस्ताखी के लिए माफी चाहते हैं जहांपनाह, लेकिन हूर इस बात से अच्छे से वाकिफ थी कि वो तलवार उठाने का अंजाम क्या होगा। उसके बाद भी इन्होंने शहजादे सलीम को उकसाया कि वो तलवार उठाएं। हमें तो लगता है कि ये किसी साजिश के तहत इन्होंने किया है। ये शहजादे सलीम को मारना चाहती होंगी। जहां पर तो फिर हूर सजा की हकदार। नहीं, हूर को सजा मत दीजिए। अगर आप चाहें तो हूर के बदले मुझे कैदखाने में डाल दीजिए। चुप कर बेवकूफ। जहां पर हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हूर जी को किस बात की सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने शहजादे सलीम को अंधविश्वास को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है तो हमें तो इनका सम्मान करना चाहिए। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बीरबल? यहां पर हमारी जान पर बनाई है और आप सम्मान करने की बात कर रहे हैं? एक बार नहीं, दो दो बार उस शापित तलवार से इब्राहिम लोदी की रूह ने हम पर हमला किया है। जहांपनाह, हमें तो ये बात हजम नहीं हो रही कि किसी तलवार के अंदर किसी इंसान की रूह जा सकती है। कैसे संभव है? याद कीजिए जहांपनाह, आज से कुछ साल पहले आपको ऐसे लगा था कि आपके वालिद बादशाह हुमायूं की आत्मा एक शापित तलवार में आ गई और आपने सब पर हमला किया था। याद कीजिए। तो जहांपनाह, इस बार हम खुद इस तलवार की तफ्तीश करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सच्चाई क्या है। हमें आज्ञा दीजिए। जहांपनाह, इसकी इजाजत बिल्कुल ना दी जाए क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। अगर आप इजाजत दें तो उस तलवार को हम कहीं दफना कर आते हैं। जहांपनाह, इसके साथ साथ उस तलवार की असलियत भी दफन हो जाएगी और हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कि इस तलवार के पीछे की सच्चाई क्या है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम इस तलवार की तफ्तीश करें और आपकी सुरक्षा भी हमारे लिए सबसे अहम है। तो ऐसा करते हैं जहांपनाह कि जब हम इस तलवार की तफ्तीश कर रहे होंगे तो हमें रस्सियों से बांधा जाए, क्योंकि अगर तलवार सचमुच में शापित हुई तब भी हम आप पर हमला नहीं कर पाएंगे। ठीक है बीरबल, आपकी इतनी मांग तो हम पूरी कर ही सकते हैं। इसके साथ ही एक शर्त भी लागू की जाए। अगर राजा बीरबल का अनुमान गलत निकला, अगर यह साबित नहीं कर पाए कि यह तलवार शापित नहीं है, तो इन्हें दरबार छोड़कर जाना पड़ेगा। बलदेव, हमें मंजूर है जाबर। बलदेव जी की शर्त हमें मंजूर। शुरू कीजिए अपनी तफ्तीश। इब्राहिम लोदी, तेरी जान लेकर रहेगा अकबर। अरे पकड़ो। तरीक मासूम, जल्दी आइए, गुदगुदी कीजिए। हो गया बीरबल, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये तलवार शापित है? जहांपनाह, इसमें कोई दो राह नहीं है कि तलवार सचमुच ही शापित है। राजा बीरबल, शर्त के मुताबिक आपको इसी वक्त इस महल को छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं बलदेव, नहीं जहांपनाह,
बलदेव जी सही कह रहे, शर्त तो यही लगी थी, अगर साबित हो गया कि तलवार शापित है तो हम दरबार छोड़कर चले। बलदेव जहां पना इस तलवार को ले जाकर ऐसी जगह दफनाइए जहां कोई इंसान तो क्या किसी की रूह तक इस तलवार तक ना पहुंच सके। जी जा। कल रात आप पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी आप ठहाके मार के हंसे जा रहे हैं। हम हंस रहे हैं आप लोगों की नादानी पर, उस शापित तलवार की कहानी पर। जहां पना कल रात आप पर जानलेवा हमला हुआ, फिर भी आप ठहाके मार के हंसे जा रहे हैं। हम हंस रहे हैं आप लोगों की नादानी पर, उस शापित तलवार की कहानी पर। अरे लीजिए आइए बीरबल, आइए आइए। जहां पना की जय। बड़े सही वक्त पर दाखिल हुए हैं आप बीरबल। राजा बीरबल जहां पना, राजा बीरबल को हमने दरबार से निष्कासित कर दिया था, ये सब क्या हो रहा है जहांपना? ये क्या हो रहा है ये हम आपको बताते हैं बलदेव। बीरबल तलवार लाई। यही यही है ना वो शापित तलवार? जी हाँ जहांपना, इस तलवार को तो हमने दफना दिया था ताकि किसी को पता ना चले। ये तलवार नकली है बलदेव जी, और वो तलवार भी नकली थी जिसे लेकर कोई इब्राहिम लोदी के भूत का बहाना बनाकर जापना की जान लेना चाहता था। लेकिन कौन? अभी बता दे। सिपाहियों ले आइए उन्हें। बानो जी आप? जी हाँ, शायला बानो जी। भानु जी, आप सोच रही होंगी कि आपने इतना उमदा खेल खेला हमारे साथ, मुगलिया सल्तनत के साथ, फिर भी आप नाकामयाब क्यों रहे? हम बताते। दरअसल हुआ यूं भानु जी के कल रात आप मैं इब्राहिम लोदी मुगलों के खून का प्यासा। शैला बानो, ये क्या कर रही थी आप? पर ये तलवार आपके हाथों में कैसे आई? जापना, हमें नहीं पता, हम अपने कक्ष में सो रहे थे तभी हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने देखा कि वहां पर कपड़े में लपटा हुआ कुछ पड़ा हुआ था। हमने अपने हाथ में उठाया और खोलकर देखा तो वो तलवार थी। जापन, हमें फंसाने की कोशिश हो रही, कोई हमारे साथ साजिश कर रहा है। ये शायला बानो, शायला बानो, बीरबल ने आपको पकड़ने के लिए जो जाल बुना उसमें हम भी शामिल हैं। दरअसल कई बार
बीरबल आपके बारे में शिकायत करते हमारे पास आए। जापाना पिछले कुछ दिनों से जो हमारे महल में हो रहा है, मसलन शहजादे सलीम का मौत की किताब को पढ़ना, तुर्रम खान का दृश्य होकर आप पर हमला करना, और फिर उस बाघ का हम पर हमला करना, हमें लगता है सबके पीछे शायला बानो जी है। बीरबल आपके पास इन बातों का कोई सबूत है? सबूत नहीं जापाना, हम तो अपराधी को रंगे हाथों पकड़ने में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद हमने और जापाना ने मिलकर इब्राहिम लोदी की शापित तलवार की झूठी कहानी फैलाई, जिसमें शहजादे सलीम और राजा दरबार ने बखूबी हमारा साथ दिया। हम दरबार से जानबूझकर चले गए थे शहला बानुजी, ताकि हम आप पर नजर रख सके। जब बलदेव जी शापित तलवार को दफना रहे थे, तो हमने आपको उस जगह का मुआयना करते हुए देखा। शापित तलवार से डर रही थी, इसलिए आपने हूबहू वैसे ही एक दूसरी तलवार बनाई। आपने वो तलवार ली और आप जापाना की हत्या करने चली गई। आप जी जानती थी कि अगर आप जापाना की हत्या करने के बाद पकड़ी भी जाए, तो मासूम बनकर आप ये कहेंगी कि ये इब्राहिम लोदी की तलवार है, हमें कुछ नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ। बानो जी, आप अपने मासूमियत का फायदा उठाना चाहते, हमने बस अपनी अकल लगाई और एक मछली की तरह आप हमारे जाल में फंस गए। जहां पना, हमें तो यकीन नहीं हो रहा है। मासूम सी दिखने वाली शैला बानू की घिनौनी असलियत जान कर। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा कि शैला बानू जी हमारे साथ ऐसा कर सके, पर सच तो सच है। शैला बानो, आपकी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी, आप रंगे हाथों पकड़ी गई हैं, और यह भी साबित हो गया है कि आप हमारे सबसे बड़े दुश्मन तुर्रम खान के साथ मिली हुई हैं। इसलिए हम आज आपको और तुर्रम खान को काला पानी की सजा मुकर्रर करते हैं। ले जाओ इन्हें सिपाहियों, ले जाओ। जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन चाहे हमारे लाख दुश्मन पैदा हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे दरबार बीरबल जैसा रत्न मौजूद है, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। क्यों बीरबल? बीरबल, समझ सकते हैं बीरबल, हम समझ सकते हैं।